देखें ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो LG का घेराव कर बैठे हैं, 5 से 6 दिन तक ये धरना प्रदर्शन चला लगभग मंडी हाउस पर। कभी मोदी को ललकारते हैं, कभी कांग्रेस पे दावा बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने वो काम किया जो मैंने वादे किए थे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले कुछ वादे किए गए थे, जैसे पानी माफ़, बिजली हाफ, और जगह जगह CCTV कैमरे लगेंगे, वाईफाई की सुविधा प्राप्त की जाएगी, और सबसे बड़ी बात, मैं कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, और एक आम आदमी मेरी पार्टी है तो आम आदमी की तरह रेड लाइट पर रुकूँगा और आम आदमी का जीवन जीऊँगा। आज ये वादे कहाँ गए, इसी बात पर चर्चा करेंगे दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर शबाना आजमी जी से, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना जी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत से वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए थे, आज दिल्ली की जनता उन वादों को ढूंढ रही है। क्या वो वादे पूरे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल पिछले 4 साल से बस उनका यही ड्रामा है कि कभी वो LG को घिराव करते हैं, कभी वो BJP को घिराव करते हैं, कभी वो कांग्रेस पे हमला बोलते हैं, और उनके अंदर जो अपनी खामियां हैं वो उनको छुपाने के लिए वो कंटिन्यू जो है वो धरना और हड़ताल और ये सब ड्रामाबाजी उनका चल रहा, जिसके कारण पहली बार LG जो हैं, जो पहले LG थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब जो दूसरे LG आए हैं उनमें भी वो 1000 कमियाँ निकाल रहे हैं। पिछले 10 दिन से उनका ड्रामा चल रहा, उनके सोफ़ा पे लेट के आराम से AC चला के, और उनके घर पे जो वो ड्रामा कर रहे हैं, इन दोनों BJP और केजरीवाल दोनों मिली भगत है। इन दोनों ने आपस में राय मशवरा करके वो उनके घर पे, BJP केजरीवाल के घर पे और केजरीवाल जो हैं वो LG के घर पे, दोनों ने सेटिंग करके पब्लिक को मेन मुद्दे से भटका के और हटा के, और वो अपने इन ड्रामेबाजियों में उलझा के रखा हुआ है जनता को। 4 साल से कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जो कांग्रेस ने प्लान लाई थी उसमें भी देरी है, और अभी ना स्कूलों में 1 लाख बच्चे घटे हैं, 2012 और 2013 का रिकॉर्ड आप देखिए, उस टाइम से लेके अभी तक सरकारी स्कूलों में 65% बच्चे पास हुए हैं, जो कि 85 और 90 बच्चे पास होते थे 12th में, आज उनका ग्राफ गिर गया है, जिसके सीधा सीधा जिम्मेदार केजरीवाल हैं, जिन्होंने झूठ और फ्रेब और सिर्फ BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रामलीला मैदान में इन्होंने अनशन किया था और पब्लिक को गुमराह किया और सीधा सीधी दिल्ली के लोगों को नुकसान पहुंचाया, जो कि 20 साल पीछे हमारी दिल्ली की जो प्रोग्रेस है वो पीछे हो चुकी है, एजुकेशन में, हेल्थ में। मैंने तो सफदरजंग हॉस्पिटल का सर्वे किया है, मेरे पास वीडियो हैं, जो 1 महीना पहले जो पेशेंट ज़मीन में लेटे हुए थे वो आज भी वैसे ही लेटे हुए हैं। बहुत ही बुरा हाल है तमाम सरकारी हॉस्पिटल, तमाम सरकारी स्कूलों का। स्कूलों में कमरे तो इन्होंने बनवा दिए हैं, फ़ोटो खींच करके आपको लोड कर दिया है इन्होंने, लेकिन बदहाली इनकी इतनी है कि टीचरों को, ये प्राइवेट जो टीचरें हैं उनको इन्होंने रख रखा, जो टाइम पे आती नहीं है उनको, बच्चों को कंप्यूटर चाहिए वो नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है। ये मेरा अपना सर्वे है। मैम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बयान आता है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, या राहुल गांधी जी तब दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में जब वोट आते हैं या इलेक्शन का टाइम आता है, वैसे ना वो गौ हत्या पे कोई बयान देते, ऐसा मनीष सिसोदिया जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना बयान दिया था। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है शायद वो भूल चुके हैं कि गाय पे जो है हमारी जो BJP की सरकार है, जो इस मुद्दे पे ही आई थी, उन्होंने ही सौतेला व्यवहार किया हुआ है कि राहुल जी क्या कहेंगे। उन्होंने कुछ अपने इलाकों में, जैसे गोवा है, जैसे और भी जगह है, वहाँ पे गाय खुलेआम कट रही हैं, और उन वहाँ के मिनिस्टर जो हैं, CM हैं, वो ये कहते हैं कि गाय कम हो जाएंगी तो मैं UP और बिहार से लेके आऊँगा। तो इन्होंने तो खुद बांट इंडिया को, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा है, एक हिस्से में गाय माता है और दूसरे हिस्से में गाय जो है वो सौतेली माता है। मैम, आपके क्षेत्र में अगर हम देखा जाए, शाहीनबाग इलाके में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की विधानसभा है, आपके क्षेत्र के विधायक दिल्ली सरकार से ही हैं अमनतुल्ला खान जी, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप हैं, FIR हो चुकी है,
सुनने में आया था कि जेल भी जा चुके हैं। क्या क्षेत्र में उनके द्वारा काम किया जा रहा है? क्षेत्र की जनता यहाँ के विधायक से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वो जेल गए, वो उनका पर्सनल मैं नहीं बोलूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता जिस उम्मीद से, जिस मतलब इससे खुशी के साथ उनको MLA बनाया था, जिस उम्मीद से, उसमें वो कहीं खरे नहीं उतरे हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे ओखला विधानसभा जो है उसकी सड़कें बोल रही हैं। बिजली कंटिन्यू रोज़ों में भी कटा है, चांद रात को भी लाइट 6-6 घंटे कटे हुए हैं, और पानी का ना तो आज तक हमारे शाहीनबाग में लाइनें तक नहीं बिछी हैं, तो पानी कहाँ से आएंगी। तो सड़कें की हालत इतनी बुरी है कि 4 सालों में इन्होंने सड़कें तो बनाए नहीं, लेकिन पास किया है या नहीं किया है, जो गड्ढे हैं उनको सिर्फ टेम्प्रोरी भरा जा रहा, पर इन्होंने बोर्ड पहले ही लगा दिया और मुबारकबाद भी पहले ले लिया। ये हैं हमारे ओखला के MLA। सफाई इतनी जो है वो देखने के लायक है कि हाँ क्या है, नाले खुले हुए हैं, मच्छरों का मतलब घर बना हुआ है, कूड़ेदान बना हुआ है ओखला। यही हमारे MLA साहब ने काम किया है 4 सालों में। मैम, मोदी जी, लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी विदेशी दौरे कर रहे हैं और जगह जगह अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं तीसरे नंबर पर जो भारत को प्रमोट करने के लिए आए हैं, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे वो भारतीय जनता को प्रमोट करने में हो, जनता की सेवा में हो। आपको लगता है क्या कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी सही काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए ही लाया गया था, और वो उनका जो बोल बचन था जिसकी वजह से लोगों ने उनको लाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया उल्टी सीधे बयानबाजी करके, जो सही मुद्दे पे उनका इंटरव्यू कोई नहीं लेता है, कोई भी मीडिया बैठती है उनसे इंटरव्यू लेने की, वो खुद ही जो कैमरामैन होते हैं और जो एंकर होते हैं वो खुद ही उनसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं और वो हंसते रहते हैं। वो कभी पकौड़े पे बयान दे देते हैं, कभी कुछ बयान करते हैं, उनकी तो कुछ बात ही समझ में नहीं आती। वो देश के प्रधानमंत्री किस तरह के हैं, उनको यही नहीं पता कि उनकी जनता किस तरह से परेशान है, और जातवात, मंदिर मस्जिद गाय के नाम पे लोग हैरान हैं। GST, कभी नोटबंदी, बस उनका काम है। नहीं, एक मिनट में आपको रोकूंगा। आपने बात करी नोटबंदी की, नोटबंदी का एकदम फैसला रातों रात हो गया था, एक भाषण में संबोधित करते हुए मोदी जी ने ऐलान कर दिया था। सुबह उठते ही 500,000 के नोट एकदम बंद हो गए थे। तो क्या नोटबंदी से आपको नहीं लगता देश को फायदा हुआ या नुकसान? ये तो आपको ही पता है, आप पूरी जनता को पता है कि देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया इन्होंने, और हमारे हिंदुस्तान का ये संविधान है कि आप हाथ से कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे मुंह से बोल नहीं सकता है कि ये चीज़ कानून पास हो गया, ऐसे नहीं होता। नोटबंदी का एक रूटीन होता, को बैंकों में नोटिस लगते कि हाँ भाई नोटबंदी इतने टाइम में होगा, अचानक आपने आए, ये तो तानाशाह उनका, ये जो उन्होंने किया ये उन्होंने दर्शाया पब्लिक को कि मैं तानाशाह हूँ और मैंने हाथ उठा के कह दिया कि ये फैसला है तो वो फैसला आपको मानना होगा। ये उन्होंने तो हिटलर वाला काम किया है। मैम, आप माइनॉरिटी की कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली प्रदेश की, इतना बड़ा पद आपको मिला हुआ है, आपके द्वारा जनता के हित में अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, हमारी अभी तो सरकार नहीं है, और जो भी हमारे और हमारी NGO हमारी दुनिया है और हमारे जो भी टीम है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हम लोग का सोशल वर्क है उसमें हम लोग एक्टिव हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो परेशान है, किसी भी तरह का हरासमेंट है, उनके साथ हमारी टीम जो है काम कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है। मैम, MCD के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से सेंट्रल साउथ जोन के चेयरमैन बने थे KK शुक्ला जी, MCD के। तो एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दोबारा विकास है, दूसरी तरफ देखा जाए तो MCD के कारण क्या आपके क्षेत्र में सफाई विभाग या सफाई कर्मचारी आते हैं, रेगुलर सफाई होती है, या MCD भी वही कर रही है जो आपने आरोप लगाए यहाँ के विधायक पे कि विधायक से जनता खुश नहीं है? बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं है, MCD का कोई रोल ही नहीं है कुछ भी। हमारे क्षेत्र में ना कोई पार्क है, ना सफाई है, ना नाला ढका गया किसी भी तरह का, कौन सा, आप खुद देख लीजिए। तो मैम, इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करते कभी? करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, पूरी दिल्ली परेशान है और आने वाले टाइम में जनता जवाब देगी दोनों पार्टियों को। ये दोनों पार्टी एक हैं, इनका सिर्फ मुखौटा अलग है। इन दोनों ने कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए और यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना के झूठे वादे करके आई है, और ये झूठ कहते हैं, बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं कि काट की हंडिया एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। इन दोबारा नहीं आएंगे, दोनों ड्रामेबाज हैं। मैम, एक चीज़ और है नई जो सामने आई थी कि पहली बार ऐसा हुआ है
हमारे भारत देश में जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज तक इतनी 67 साल कांग्रेस ने राज किया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार के विधायकों की 20-30 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई थी, ये पहली बार हुआ है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, बस ये ड्रामेबाज हैं, इनका कुछ है ही नहीं है, ये आपस में ही एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उनको लगाते हैं, वो उनको लगाते हैं, बस ये। तो मैम, आने वाले चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे जनता को? और ये भी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी और विपक्षी सारे एक हो गए हैं कि मोदी जी का इतना ज़्यादा पावर देखकर और उनका विकास कार्य देखकर, तो आने वाले चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगी जनता को कि वाकई में विपक्षी एक हो गए हैं, मोदी जी से इतना डर लग रहा है विपक्षियों को? देखिए, डर किसी से भी नहीं लग रहा है, बस कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, वो जनता की हित में चाहती है, इसलिए उन्हें जहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जनता के लिए वो कंप्रोमाइज़ करेगी कांग्रेस, और हमारे बड़े लीडर जो हैं वो जो सही डिसीज़न लेंगे वही डिसीज़न हम लोगों को मानना होगा, और जनता के लिए अगर गठबंधन करना पड़े तो गठबंधन भी करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है, सीटें देनी होगी तो सीटें भी देंगे, सीएम बनाने होंगे किसी को तो वो भी करने के लिए तैयार है। हमारी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी जो हैं वो सत्ता के भूखे नहीं हैं, कुर्सी उनको नहीं चाहिए, वो तो एक ख़ानदानी उनको विरासत में मिला है, इसलिए उनको कोई ललसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री और या कोई भी इसके लिए, वो तो प्रधानमंत्री 10 साल पहले बन सकते थे, सोनिया जी चाहती तो उनको बना सकते थे, लेकिन वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान जैसे एक सेकुलर हिंदुस्तान है वो आगे भी बना रहे, यहाँ पे जो ये लोग जो सर उठा रहे हैं भेदभाव मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए 2019 में, इसलिए हम लोग गठबंधन करना चाहते हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।